हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों, मिनी आंगनबाड़ी बहनों और सहायिकाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके मानदेय में भी हमने वृद्धि, कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि के संबंध में एक महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आ रही, उसी के संबंध में एक महत्वपूर्ण ट्वीट भी किया गया है। पहले आप लोग यह ट्वीट देखें, उसके बाद इसके संबंध में मुख्यमंत्री जी का बयान भी सुनाएंगे, तो ध्यान से पहले इस ट्वीट को समझ ले। यहाँ पर देख सकते हैं ट्वीट में लिखा गया है कि आवर गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड सहायिका, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के सपोर्ट के लिए उन्होंने इनहेंस द ऑनरेरियम यानी कि मानदेय में बढ़ोतरी की है। अर्लियर आंगनवाड़ी वर्कर यूज टू गेट 7500 एज ऑनरेरियम, यानी कि इससे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7500 रुपए मानदेय के स्वरूप में दिया जा रहे थे, लेकिन अब नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू द 9300, यानी कि अब उनको 9300 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके संबंध में मुख्यमंत्री जी का एक बयान भी सामने निकल के आ रहा है, उसे भी आप लोग जरूर देखें। मातृशक्ति की, हमारी सरकार ने आंगनवाड़ी बहनों, मिनी आंगनवाड़ी बहनों और सहायिकाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके मानदेय में भी हमने वृद्धि की। जहां पहले आंगनबाड़ी बहनों को 7500 रुपये मानदेय के रूप में मिलते थे, अब आपको 9300 रुपये मानदेय के रूप में दिए जा रहे हैं। मिनी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में भी 4500 से बढ़ाकर 6250 और सहायिकाओं का भी 3550 से 5250 रुपये किया गया है। मैं इस मंच के माध्यम से आज के इस दिन पर मैं आप सबको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके भाई के रूप में आपके लिए जो सबसे बेहतर होगा वो हमेशा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं बाल विकास विभाग के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि आप सबको और अधिक जानकारियां, जो योजनाएं हम चला रहे हैं सरकार की योजनाएं, आप सबको मालूम हो और आप सबके माध्यम से हमारे उन हजारों लाखों उन बहनों तक भी ये योजना पहुँचे जिनके लिए ये योजना प्रस्तावित की गई है या जिनको लक्ष्य मानकर ये योजनाएं हमने प्रारंभ की। तो बता दें कि यह मानदेय बढ़ोतरी काफी पहले ही की जा चुकी है उत्तराखंड में, तो सवाल यह है कि अब मुख्यमंत्री जी ये क्यों बता रहे हैं, इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री जी आज के दिन क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए और साथ में कुछ और महिलाओं को सम्मानित करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए उनकी सरकार ने क्या किया है, सरकार ने अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए यह बयान दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के दर्द क्या है, उनकी समस्याएं क्या है, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद ही पता चलता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर अक्सर सड़कों पर देखी जाती है, जब उनसे बातचीत किया जाता है तभी उनके दर्द का पता चलता है। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की आवाज सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। आपको बता दें कि बिहार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं एक बार फिर से आंदोलन करना शुरू कर चुकी हैं, सड़कों पे आ चुकी हैं। जनता जंक्शन नामक एक न्यूज चैनल है, उन्होंने हमारी इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, तो आइए उसकी एक छोटी सी झलक आप सभी को दिखाते हैं और देखते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किस प्रकार की समस्याएं हैं और कितनी भारी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं आंदोलन उम्मीद लेकर के तो आए हैं। उम्मीद लेकर के आए हैं, न मिलेगा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, आंगनबाड़ी बंद कर दीजिएगा। हाँ, बंद कर देंगे। राज मजूरा का भी एक होता है, 600 रुपए मिलता है, दिन भर काम करता है, तो हम लोग शिक्षित हो के भी हम लोग को बहुत कम पैसा मिलता है। खुद बच्चा घर में कुपोषण हो रहा है और सरकार झूठ मूठ के खाली आंगनबाड़ी है ये बहाल कर दिए है। 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, आज तक हम लोग को प्रमोशन नहीं हुआ है। हाँ, जरूर बैठेंगे, जब तक मांग पूरा नहीं होगा जरूर बैठेंगे और अपना संघर्ष के लिए लड़ते रहेंगे। आप लोग मांग मांग लेकर के ही जाइए। हाँ, लेकर के जाइए। सरकार नहीं देती, नहीं देंगे तो उसको गद्दी से उतारेंगे। हाँ, उतार देंगे। हाँ, हम लोग BLO को भी काम करते हैं, तो इतना BLO मास्टर से डॉक्टर तक सारा काम हम ही लोग को दिया जाता है। पैसा 5950 रुपये, इतना महंगाई में 5950 रुपये क्या है? उतना मोदी जी को नीतीश जी से पूछते हैं कि महीना का पॉकेट खर्चा भी उठ पाता होगा, जितना दे तो कम रुपया में हम लोग घर खर्चा चला पाते हैं, बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई करवा पाते हैं।